हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बेटा ठीक हो? तो आज हम लोग करेंगे एमसीक्यू ऑफ चैप्टर 8, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मैंने आपको स्टार्ट करवा दिए थे, तो आज हम नेक्स्ट करेंगे। थोड़े से जो रह गए वो हम करेंगे, फिर कल देखते हैं क्या करना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। कौन सा क्वेश्चन? 11। क्वेश्चन 11 है हमारे पास, इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी, इज राइट एंगल्ड एट सी, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी इज हमने बताना है कि कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, ए में है हमारे पास 0, बी ऑप्शन में है हमारे पास 1, सी ऑप्शन में है हमारे पास 1/2 और डी ऑप्शन में है हमारे पास अंडर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। देख लो आप अच्छी तरह से क्वेश्चन को, ठीक है, समझ आ रही है ना? क्या है, इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी, देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी इज, हमने बताना है कि कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है 90 डिग्री? क्योंकि इन्होंने बोला है इज राइट एंगल एट सी, सी पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, समझ आ गई? नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इन ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, एबीसी में एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने क्या देखना है, क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इट इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इट इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें पता चला कि एंगल ए प्लस एंगल बी 90 डिग्री है। नाउ कॉस क्या, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आया, ए। फिर आप लिखोगे सो द करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है, 0। देख लो अच्छी तरह इसको, ठीक है, समझ आ गई ना क्वेश्चन की? बहुत इजी क्वेश्चन है। कहता है इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट सी, देन द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी इज, अगर ट्राइंगल एबीसी जो है वो राइट एंगल है सी पे, तो हमने वैल्यू निकाल ली है कॉस ए प्लस बी की। ऑप्शन है 0, 1, 1/2, अंडर रूट ऑफ 3/2। गिवन एंगल सी 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल एट सी है। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी की जगह हम लिखेंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। एंगल ए प्लस बी हो गया हमारे पास 90 डिग्री, तो कॉस ए प्लस बी होता है कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ गई? चलो नेक्स्ट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 11 कर लिया हमने, क्या करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन 12 है हमारे पास, इफ साइन ए, अगर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, किस एक्सप्रेशन की, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a इज, हमने बतानी है कि इसकी क्या वैल्यू है। ऑप्शन है हमारे पास 1, 1 बाई टू, 1, 1 बाई टू, तीसरी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है हमारे पास 3। तो क्या है हमारे पास क्वेश्चन, इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अगर साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए जो है वो 1 के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, किस एक्सप्रेशन की, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a इज 1 है, 1 बाई टू है, 2 है या 3 है। तो हम करेंगे स्टार्ट, क्या करेंगे स्टार्ट, साइन ए प्लस साइन, गिवन गिवन क्या है हमारे पास, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर है, ठीक है, इट इंप्लाइज साइन ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये जब यहां उस साइड चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ओके, समझ आ गई बात आपको, इट इंप्लाइज साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, इट इंप्लाइज साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। नाउ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a, अब क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a जो है वो किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है, समझ आ गई, पुटिंग कॉस स्क्वायर ए, क्या पुट करना है, कॉस स्क्वायर ए को हमें पुट करना है साइन ए, क्या पुट करना है साइन ए, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस 4a ने इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए को हमने साइन पुट किया तो ये बनेगा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए गिवन, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, हमें दिया गया है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है 1 के बराबर है, सो द करेक्ट आंसर इज ए, क्या है, सो द करेक्ट आंसर इज ए, हमारा करेक्ट आंसर क्या आया है ए, ठीक है, समझ आ गई आपको, देख लो आप अच्छी तरह, शाबाश, फिर नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12, समझ आ गई, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13, क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 है हमारे पास, गिवन दैट हमें दिया गया है कि साइन अल्फा किसके बराबर है 1 बाई टू एंड कॉस बीटा है 1 बाई टू, साइन अल्फा भी 1 बाई टू है और कॉस बीटा भी
वन बाई टू के बराबर है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ देन द वैल्यू ऑफ किसकी एल्फा प्लस बीटा इज, एल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू होगी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और डी में है हमारे पास 90 डिग्री। तो अब हमने बताना है, गिवन दिया है हमें साइन अल्फा 1/2 के बराबर है, कॉस बीटा है 1/2 के बराबर। देन द वैल्यू ऑफ किसकी अल्फा प्लस बीटा इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साइन अल्फा हमें दिया है 1/2, कॉस बीटा हमें दिया है 1/2, दोनों जो है ये 1/2 और 1/2 के बराबर है, ठीक है। साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2, कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/2। अब साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, क्योंकि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है, समझ आ गई। तो यहां से साइन साइन कट के इट इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, यहां से कॉस कॉस कट के बीटा आ गया हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। बीटा कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री, ओके। देख लो अच्छी तरह, 10 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा हो गए हैं हमारे पास 90 डिग्री, सो द करेक्ट आंसर इज डी। सो द करेक्ट आंसर इज डी। देख लो अच्छी तरह, शाबाश, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। देख लो क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अच्छी तरह देख लो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, ये थोड़ा लंबा है, इतना भी लंबा नहीं है लेकिन उसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर 22 डिग्री, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री, ठीक है, और साइन 27 डिग्री। अब हमने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, ओके, यूजिंग। अब हमने साइन थीटा को यूज करना है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या करना है हमने, वी हैव टू यूज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहां पर तो वही आ जाएगा साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री अपॉन दिस साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री अपॉन
22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस अब क्या हो जाएगा यहाँ पर है साइन स्क्वायर 63 डिग्री ठीक है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री ठीक है यहां तक तो समझ आ गई यहां तक वैसा ही रहेगा अब आगे कॉस 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री यहां पर हमने साइन की जगह 90 डिग्री माइनस थीटा लगाया है इस वाले साइन 27 की जगह ठीक है साइन 27 डिग्री की जगह हमने कॉस 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लगा दिया है ठीक है समझ आ गई अब क्या हो जाएगा बाकी तो सारा वही रहेगा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री ठीक है और ये कॉस 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री बन जाएगा कॉस 63 डिग्री क्या बनेगा कॉस 63 डिग्री ठीक है समझ आ गई अब क्या हो जाएगा देखो इसके आगे मैं यही कर लेती हूं ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री ठीक है समझ आ गई आर यूजिंग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमने यूज करना है किसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करनी है हमने 1 ओके समझ आ गई तो ये बन जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री प्लस 1 ये जो है ये सारा क्या बन गया है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तो ये सारा जो है ये 1 बन गया यहां पे लगा दिया हमने 1 ठीक है समझ आ गई अब हमने क्या करना है अब इस स्टेप को मैं यहां लिखती हूं आगे आप समझ जाना या मैं चलो यही लिख देती हूं अब क्या करेंगे हम साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री यहां पर आएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री ठीक है अपॉन कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस यहां पे यह क्या आएगा कॉस स्क्वायर 68 डिग्री है ना तो ये आएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 68 डिग्री प्लस 1 देख लो अच्छी तरह ठीक है यहां तक समझ आ गई इज इक्वल टू ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर 22 डिग्री ठीक है जगह भी होनी चाहिए ना आगे 1 भी लिखना है थोड़ा सा मिटा लेती हूं ठीक है साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1 अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा ठीक है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 एलसीएम लिया नीचे आया 1 ऊपर आया 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2
तो क्या आया हमारा आंसर? टू। तो हमारी जो ऑप्शन आएगी वो कौन सी है? ऑप्शंस मैंने लिखी नहीं, तो चलो जो भी ऑप्शन होगी उसमें जो टू ऑप्शन होगी वो आप करेक्ट कर देना, ठीक है? देख लो अच्छी तरह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है? समझ आई है ना इस क्वेश्चन की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह देख लो इसको, कुछ मिस नहीं होना चाहिए आपको, देख लो। देख लिया ये सारा क्वेश्चन अच्छी तरह? तो आज हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।